हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज का पेपर कैसा हुआ है आपका? कितना आपने स्कोर किया है? आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था, ये नहीं कह सकते कि काफ़ी इजी था या काफ़ी हार्ड था। पेपर मध्यम लेवल का था, हर पोर्शन को टच करने की कोशिश की है एग्जामिनर ने। और जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो थोड़ा इजी था, एसएसटी के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो सब्जेक्ट था एसएसटी का वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था आज के पेपर में। ज़्यादा ना इसको डिफिकल्ट बोल सकते हैं ना बहुत ज़्यादा इजी बोल सकते हैं। पेपर मध्यम स्तर का था। जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, उनको ज़रूर इस पेपर में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कट ऑफ की। आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पेपर तो आई होप सबका अच्छा ही हुआ होगा, आपका भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, कट ऑफ, अगर कट ऑफ देखा जाए इस पेपर की, तो ये एक अनुमान के आधार पर मैं बता रहा हूँ। हालांकि काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, उनसे चर्चा करके मैं ये बता रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से वो तैयारी भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे कोचिंग्स के टेस्ट भी दे रहे हैं, नोट्स भी हैं, सब कुछ उनके पास है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी तैयारी जिन्होंने की थी। ऐसे 5-7 मेरे फ्रेंड्स हैं तो जानकार हैं, मिलने वाले हैं, उनसे पूछ के मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और दोस्तों, कट ऑफ सही वो ही बता सकता है जो एक्चुअल में ये एग्ज़ाम दे के आता है, वो ही सही कट ऑफ बता सकता है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कट ऑफ, इनका अनुमान सही नहीं बैठ पाता, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो माहौल होता है, जो उस रूम का जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, जो प्रेशर होता है, वो जो एग्ज़ाम वहाँ बैठ के दे रहा है वो ही फील कर पाता है। और उस समय कैसे पर्सन अटेम्प्ट करने हैं, आते हुए पर्सन भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो इन सबको देख कर मैंने उन्हीं स्टूडेंट से बात की है जो एक्चुअल में काफ़ी अच्छे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, और उनका पेपर कैसा हुआ है और क्या वो कट ऑफ बताए, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। तो दोस्तों, जनरल की जो कट ऑफ है वो 200 से लेकर लगभग 205, 5 नंबर का प्लस माइनस इसमें हो सकता है, तो मैंने वेरिएशन लिया है 200 से 205 जनरल की ये कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी जनरल में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी लगभग 2 नंबर का डिफरेंस भी माने तो 198 से लेकर लगभग 200 नंबर तक ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 190 से 195 तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की मैं बात करूं तो एमबीसी की कट ऑफ 180 से 185, इसमें भी प्लस माइनस और हो सकता है, ये केवल अनुमान है। कोई आप इसको लेकर ज़्यादा निराश नहीं होना है। अगर आपके नंबर इससे ऊपर नीचे भी है तो भी आप ये समझना कि आप दौड़ में हो। एससी की मैं बात करूं तो एससी की कट ऑफ लगभग 170 से 175 के बीच में रह सकती है, और एसटी की मैं बात करूं तो लगभग 165 से 170 के बीच में रह सकती है। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है, अनुमान है। ये वो स्टूडेंट बता रहे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी है उनकी। तो उनके आधार पर, उनके जो जितने अटेम्प्ट किए हैं, उन्होंने कितने नेगेटिव हुए हैं, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ एसएसटी की रह सकती है। तो आपको ये कट ऑफ, अगर आप इससे एग्री करते हो तो वीडियो को थम्सअप जरूर कीजिएगा, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि और ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो सके। तो अगर अगर मुझे लगा कि ये कट ऑफ ये नहीं जाएगी, इससे कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। ज़्यादा अगर सैंपल सर्वे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सही कट ऑफ बन सकती है। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।